अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो? ये देखो अभी मम्मी केक बना रहे हैं क्योंकि यार लाइबा का बर्थडे है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, खुश होगे, मज़े में होगे। तो जैसे कि मेरी बेटी ने आपको बताया था दोपहर में कि मैं केक बना रही थी, तो आज लाइबा का बर्थडे है, तो सारी लाइबा के बर्थडे की तैयारी ऑलमोस्ट आधी तो हो गई है। अब सिर्फ बलून लगाने का बाकी है, वो लगा रहे अभी, तो मैं आपको बताती। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी सिर्फ बलून लगाने का बाकी है, तो इधर वही सेट हो रहा है कि बलून कैसे और कहाँ लगाए, यही सब इधर चल रहा है। और एक साइड पे मुस्कान और लाइबा अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं, लोग दोनों साथ में मिलके फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा और जो हम लोग ने डेकोरेशन की थी वो कैसी लगी, वो आपको आगे काफ़ी फ़ोटो रहेगी उसमें भी देखने मिलेगा। और सब लोग लाइबा को दुआ देना कमेंट बॉक्स के अंदर, उसको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआ देना। ये देखो लाइबा रेडी हो गई थी, तो फिर हम लोग ने उसका थोड़े फ़ोटो वोटो निकाले, उसके थोड़े वीडियो बनाए हम लोग ने। तो आप मेरी बच्ची को दुआ देना। और मैं तो यही बोलूँगी कि हर माँ बाप की लड़की की अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे, उसको हर एक उसकी ख्वाहिश पूरी करे, उसको अच्छे से अच्छा ससुराल मिले और उसकी किस्मत में हर वो चीज़ हो जो उसको चाहिए, अल्लाह उसकी हर मुराद पूरी करे। और जो बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी भी शादी, उनके भी जोड़े बना दे जल्द से जल्द। और जिनकी शादी हो गई है उनके जोड़े आखिरत तक सलामत रहे, कायम रहे। और मेरी बच्ची लोग के लिए भी आप लोग दुआ करना ज़रूर से। और वैसे भी बोलते हैं कि जब बच्ची लड़की घर पे आती है तो वो अल्लाह से अपने बाप की किस्मत लिखा के लाती है, तो हर लड़की के माँ बाप की किस्मत बुलंद करना, उनको वो बच्चियों को नेक तौफीक अता फरमाना, उनको नेक हिदायत अता फरमाना, उनकी किस्मत अच्छी करना, उनकी हर एक उम्मीद हर एक ख्वाहिश पूरी करना, उनको अच्छे से अच्छा घर मिले, अच्छे से अच्छा ससुराल मिले। मैं तो हर बच्ची के लिए यही दुआ करूँगी। और आगे आप देखेंगे कि कैसे हम लोग ने लाइबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हम लोग ने ज़्यादा किसको नहीं बुलाए थे, सिर्फ घर घर वाले ही थे और कोई बाहर का नहीं था। सिर्फ एक उसके अब्बा के एक फ्रेंड आए थे, वो भी वो बाहर से आए थे तो मिलने नहीं आए थे, तो फिर वो आ गए थे इधर, तो वो भी ये बर्थडे में शामिल हो गए थे हम लोग के साथ में। उनको भी बोले थे इसके अब्बा ने कि तू भी आ जाना करके। जैसे भी एक घर घर का गेट टुगेदर रहता है उस तरीके का था, हम लोग ने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करे थे। और वो भी ये बच्ची की खुशी थी कि इतना मतलब करे तो हम लोग ने करे। और आप मुझे बताना कि आपको मेरा केक कैसा लगा जो मैंने घर पे ही बनाई थी, तो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इधर देखो मैं मेरे तीनों बच्चों के साथ में फ़ोटो निकाल रही थी, इधर अयान, अमान, मुस्कान, हम लोग तीनों जन थे इधर, तो वही हम लोग का फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो अभी केक कटिंग की तैयारी हो रही है, तो देखो ये हम लोग ने केक लेके आ रहे हैं अभी। लाइबा को तो पता भी नहीं था कि हम लोग ने मतलब मैंने केक बनाई हूँ इस तरीके से, उसके लिए तो पूरा सरप्राइज ही था क्योंकि हम लोग ने उसको बताया ही नहीं। वो सुबह से मेरे पीछे पड़ी, माँ तुम कौन सा केक बनाओगे करके। तो मैंने उसके लिए बार्बी केक बनाई थी, तो आगे आप उसका रिएक्शन देखना, वो देख के फिर क्या बोलती है कि क्या करती है वो देखना आप। और आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरा केक कैसा लगा, उसकी डिज़ाइन कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और किसको केक सीखना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो इंशाल्लाह मैं केक भी सिखाने का बहुत जल्द चालू करने वाली हूँ। तो आगे आप देखिए लाइबा का रिएक्शन क्या होता है।
अमन हट जा। आइस खोल लेने आओ। आइस कॉट यार अमन साइड जा। तो ये देखिए, ये लाइबा के डैडी और मम्मा है और मेरी देवर देवरानी है। ये देखिए अमन उसकी चाची को भी केक खिला रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे पास फ़ोटो ही है, पिक्चर बहुत कम है। फिर इधर ये दूसरा केक था, तो फिर वो बोल रही कि माँ मैं तुम्हारे साथ काटूंगी करके, तो इधर मैं उसके साथ ये केक काट रही थी। तो ये देखिए अमन, और फिर अमन और मैंने उसके साथ में ये केक कटिंग किया था और उसको काफ़ी अच्छा लगा था। वो मेरे को बोल भी रही थी, माँ तुमने बहुत अच्छा बनाया करके, और उसको ऐसा कि वो हेलो किटी वाला था ना, वो उसको ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि बच्चे लोग को वैसे ही सब पसंद आता है ज़्यादा करके, तो वही उसको वो वाला पसंद आया था। फिर इधर मुस्कान आई थी, तो मुस्कान को भी मैं खिला रही थी केक। और वैसे ही फिर अमान अयान उसके अब्बा भी आए थे, वो सब खाए, फिर एक एक बारी बारी से सबको एक दूसरे को केक खिलाए थे हम लोग ने। और इधर सॉन्ग्स चालू था करके मैंने फिर वॉइस ओवर कर दी, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही उस पर वो ही रखती थी, पर मैं बोली जाने दे, फिर नहीं तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा करके मैंने इधर वॉइस ओवर करी थी। इसके लिए इधर ये अयान है ना, नाच रहा था, वही मैं उसको मना कर रही थी, तो भी बीच बीच में आके नाच रहा था, बोलते कि ये देखो अमान को भी इधर अयान को देख देख के अचानक से उसके ऊपर भी भूत सवार हो रहा है नाचने का। अभी क्या ऐसे बच्चे लोग की एंजॉयमेंट रहती है, बर्थडे पार्टी करो या ऐसा कुछ करो, तो ये हमारे घर का छोटा सा सेलिब्रेशन था, हम लोग ने ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किए थे, क्योंकि वो भी बच्चे की खुशी थी कि माँ ऐसा करना करके हम लोग ने इतना भी किए, नहीं तो हम लोग नहीं करने वाले थे इतना कुछ। तो इधर ये उसके अब्बा को केक खिलाने आई थी, ये देखिए, क्योंकि वो उसके बड़े अब्बा को और मुझे माँ बोलती है, उसके बड़े अब्बा को अब्बा बोलती है, बड़े अब्बा नहीं बोलती है, वो अब्बा ही बोलती है। वो भी अभी से नहीं, जब से उसने बोलना सीखी है ना, तब से वो उसी तरीके से हम लोग को बुलाती है। मैं उसकी माँ हूँ और ये उसके अब्बा है, और उसकी जो माँ है वो उसकी मम्मा डैडी है। उसको पूछेगे ना तेरी माँ कौन है, तो मेरे को ही बताती है, और उसकी माँ को तो मम्मा ही बोलती है। तो इधर ये बोल रही थी अभी तुम लोग भी एक दूसरे को केक खिलाओ करके, हम लोग ने एक दूसरे को केक खिलाए थे। और ये देखो इधर हम लोग के फ़ोटो वोटो भी सब चालू थे इधर, तो वही सब अभी कर रहे थे, मेरे देवरानी फ़ोटो खींच रही थी हम लोग का। ये इसके अब्बा के फ्रेंड हैं जो अभी बाहर से आए हैं,
बाहर की सफ़र पे ज़्यादा रहते हैं, तो इधर आए थे मिलने। तो फिर लाइबा के लिए भी वो गिफ्ट लेके आए थे, लाइबा उनको केक खिलाई। वो फर्स्ट टाइम ऐसा किसको मतलब केक खिलाई है, नहीं तो वो जल्दी खिलाती नहीं है किसको भी। तो ये देखिए, ये भाई लाइबा को गिफ्ट दे रहे थे जो लाइबा के लिए वो लेके आए थे। तो काफ़ी मज़ा आई थी उसको, हम लोग सबको भी काफ़ी अच्छा लगा था इधर। तो वो इधर सब चालू था भी उसके डैडी को गिफ्ट। मेरा तो लाइबा की गिफ्ट थी। अच्छा इतना मैं करूंगा ना, मैंने तेरे लिए ना 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 पर ना ये तो कर ले जाए, ये तो मत कर दिया ना ना ना। बस लाइबा फिर इधर सबका गिफ्ट देने का चालू था बारी बारी से। अयान दिया, फिर उसके अब्बा ने दिए, फिर ये भाई ने दिए थे वो गिफ्ट। अभी सब खाने बैठ रहे हैं। तो खाना हम लोग ने बाहर से ही मंगाए थे, बर्गर और चिकन विंग्स और वो सब। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इधर देखिए अमान, अयान, मुस्कान, उसके चाचा, लोग सब खाने बैठे हैं इधर। तो आप लोग भी सब आ जाइए खाने के लिए हमारे साथ में। मेरी बच्ची को अच्छी अच्छी दुआ दीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए हर कोई। मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना उसकी दुआ करके। और इधर ये मेरा भाई बैठा था और इधर हम लोग भी बैठ गए थे फिर खाने के लिए। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। तो फिर इधर मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी मेरी देवरानी के साथ में, क्योंकि वो बर्गर खाने ही जा रही थी और मैं उसका वीडियो बना रही थी। तो वो बार बार रख रही थी, फिर उठा रही थी, रख रही थी फिर उठा रही थी। तो ऐसे करते करते मैंने धीरे से उसका वीडियो भी बना ली। तो हम लोग की ऐसी थोड़ी छोटी मोटी मस्ती चलती रहती है घर में। तो लाइबा इधर सबको मेरे वीडियो के ज़रिए से सबको थैंक यू बोलेगी, तो आप सब थैंक यू का जवाब ज़रूर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी लाइबा अपने सारे गिफ्ट खोल रही है। लाइबा ये किसने दिया? अमान ने। थैंक यू अमान भाई, थैंक यू अमान भाई, थैंक यू अमान भाई। और ये किसने दिया? किसने दिया है? अंकल ने दिए। सत्तार अंकल ने दिए। हाँ तो जोर से बोलो जरा, थैंक यू सत्तार अंकल। हाँ अभी रुक जा दीदी खोल रही है, रुक जाओ कटर। चलो बताओ। ओहो ये क्या है? पिक्चर ब्लॉग, पिक्चर ब्लॉग। एक मिनट ओपन करो उसको, पता चलेगा। अच्छा मतलब इसका ऐसा ब्लॉग बनाने का, ऐसा मतलब उसका एक पिक्चर बनेगा। अब जैसे ये ज़ेब्रा है वैसे पिक्चर ब्लॉग बनेगा। इसमें टाइगर भी बन सकता है, सब अलग अलग बन सकता है। इसमें डायरी भी है ना, इससे बनेगा। वेट करो तुम लोग। फॉक्स, हाँ डॉग फॉक्स, ज़ेब्रा, लायन। अच्छा ऐसा सब बनेगा इसमें। जिराफ। नाइस, अच्छा है। किसने दिया? ये माय, थैंक यू अब्बा। पहले देख तो सही क्या। चल वाह, रुक जा। क्या है? ये आइसक्रीम है। थैंक यू अब्बा। थैंक यू अब्बा। थैंक यू नाना नानी, थैंक यू डैड, थैंक यू मामा मामी,
नाइस किचन नाइस। अभी नहीं दिया आपको ये डैडी ने मेरे को दिए, थैंक यू डैडी मम्मा। ना ये मेरा रिंकल वाला फ्लॉक है, ये माता माची ने जो संगल बाई ने, ये बहुत नाइस है। थैंक यू माता माची एंड संगल बाई। ये क्या है मालूम लाइबा? वो स्टैंड है, स्टैंड तेरे तेरा मोबाइल है ना, ऐसा उसको चिटका देने का ऐसे। अच्छा। फिर उसको नीचे रख के देखने का। अच्छा लगा, अच्छा लगा। वीआईपी है ये, वीआईपी देने के लिए। हेलो आयान, अमान ये तुम्हारा, अयान ये तुम्हारा। चलो जल्दी जल्दी खोलो अभी तुम लोग भी, फिर और एक है तुम लोग का। ये तुम लोग को अब्बा ने गिफ्ट दिए हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा ये गिफ्ट देने के लिए। ओ वाओ, व्हाट अ नाइस जीप। ये भी अब्बा ही लाए। ओहो, ये मैं बाद में बताऊंगी तुम लोग को उसको कैसे खोलने का। अभी ये लो एक तेरा, एक तेरा। चलो खोलो। ये मम्मी ने दिए। हाँ थैंक यू मम्मी। ये कौन दिया? ये भी मैं ही लाई थी। थैंक यू, थैंक यू। खोलो खोलो फटाफट। चलो अभी इतने सारे गिफ्ट और सब मिले ना तुम लोग को, अभी पढ़ाई अच्छे से करने का, स्कूल और अरबी में बराबर ध्यान देने का, नहीं तो दूसरी बार मैं कुछ भी नहीं ला के दूंगी तुम लोग को। थैंक यू मम्मी अब्बा, थैंक यू मम्मी अब्बा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द से जल्द बेल आइकन दबा लीजिए तो मेरे सारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। और जो भी कमेंट करके लाइबा के लिए दुआ भेजना चाहता है वो भेज सकता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।